लॉर्ड्स शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन, सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी, फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। लॉर्ड्स शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए लॉर्ड्स शूज एंड बैग्स। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है अब धार्मिक स्थल खोलने की जो है परमिशन दी गई है। करीब 8 महीने बाद जो है धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान जो है सभी धार्मिक स्थलें बंद थी और आज जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की उसके बाद जो है आज सोमवार के दिन से जो है तमाम धर्मस्थल जो है खोले जा रहे हैं। इस समय मौजूद हैं मुमरा के शिमला पार्क गौसिया मस्जिद के पास। आपको बता दें कि यहाँ भी आज दोपहर में जो है मस्जिद को खोली गई, से धुला गया, साफ किया गया, उसके बाद यहाँ पर जो है नमाज अदा की गई। जिस तरह से गाइडलाइन जो जारी की गई थी उसी के मुताबिक जो है यहाँ पर नमाज पढ़ी गई और लोगों ने खुशी का इजहार किया और महाराष्ट्र सरकार को भी जो है शुक्रिया अदा किया और मिठाइयाँ बांटी, मास्क बांटा गया। और आपको बता दें जिस तरह से जो गाइडलाइन जारी किया गया है कि वजू लोगों को घर से बना कर आना है और 10 साल से कम उम्र और 65 साल के जो बुजुर्ग हैं उन्हें घर पर ही नमाज अदा करना है। और उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरह से खुशी लोगों में कहीं ना कहीं है और एक दूसरे को लोगों ने मिठाइयाँ भी बांटी हैं और आज से जिस तरह से धर्मस्थल जो तमाम खोलने की परमिशन दी गई, लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सरकार का भी लोग शुक्रिया अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज जो है गौसिया मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद जो है लोगों ने क्या कुछ कहा है आप सुनिए। अल्लाह तआला हम भी अपना शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तोहफे में हमें फिर से अपने घर में आकर सर्वसजूद होने की इत्मीनान से इबादत करने की तोहफीक अता फरमाई। और अल्लाह की बारगाह में हम दस्त बदुआ हैं कि परवरदिगार ऐसा वक्त हमारी नस्लों को भी न दिखा, ना हमारी ज़िंदगी में और ना हमारी नस्लों की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आए। तेरी बारगाह में आकर हम सर्वसजूद होते रहें और तुझे से मांगते रहें, तेरे महबूब का सदका मांगते रहें। हम हुकूमत महाराष्ट्र का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हुकूमत महाराष्ट्र ने जो भी गाइडलाइंस तय की गई हैं, जिस तरह से सैनिटाइज़र हो गया या 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल के उम्र के बुज़ुर्ग और जितनी भी गाइडलाइंस दी गई हैं, जैसे मस्जिदों में चटाइयाँ ना बिछाना, वजू अपने घर से कर कर आना, इस तरह जो भी हुकूमती ने हुकूमत महाराष्ट्र ने गाइडलाइन दी है इंशाल्लाह ताला उसको फॉलो किया जाएगा। और सबसे गुजारिश है कि वो हुकूमत महाराष्ट्र का साथ दें और इसी तरह से हमको अपनी इबादत गाहों में इबादत करने की अल्हम्दुलिल्लाह खुशी करती। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमें यह बहुत महीनों बाद हमारे अल्लाह के घर में इबादत करने का मौका दिया और इंशाल्लाह जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए हम इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे। बस इसी यही बात कहूँगा।